जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य और कारण का सिद्धांत, पुनर्जन्म और प्रारब्ध का सिद्धांत, भाग्य और कर्म का सिद्धांत, ये सारे एक दूसरे के पहलू हैं। सिक्के के जिस प्रकार से दो पहलू होते हैं, ये भी सभी एक दूसरे के पहलू हैं। साथियों, हमेशा हर व्यक्ति को ये तलाश रहती है कि उसको जो ग्रह पीड़ा प्रदान कर रहा है, उसकी जन्म पत्रिका में जो ग्रह मारक है, उसका कोई आसान सा उपाय उसको मिल जाए। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। बहुत सी समस्याओं का यदि एक अचूक समाधान हो तो हम उसको कहते हैं कि यह है इसका राम बाण इलाज, अंग्रेजी में उसको पेनिसिया कहा जाता है। तो आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि चाहे हमारा कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा प्रताड़ित करने वाले राहु या शनि या केतु या कुछ सौम्य ग्रह जैसे कि गुरु, शुक्र, चंद्रमा किसी भी कुंडली में पीड़ा का कारण बन सकते हैं। त्रिक भावों के यदि स्वामी हो, नीच राशि को हो, कहने का अर्थ यह है कि हर एक कुंडली, चाहे वो किसी की भी कुंडली हो, किसी भी काल की कुंडली हो, ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें कोई ग्रह पीड़ादायक ना हो। तो हम आमतौर पर क्या करते हैं, उससे संबंधित रत्न धारण कर लेते हैं, उससे संबंधित कोई दान कर देते हैं, उससे संबंधित मंत्र का जाप प्रारंभ कर देते हैं, या उससे संबंधित किसी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान हम करते हैं। क्योंकि सीधे तौर पर प्रत्येक ग्रह का पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रह रहे प्राणियों, जीव जंतु, पशु पक्षी सब पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और हमारा ये जो शरीर है इस पर भी ग्रहों का सीधा सीधा प्रभाव है। सूर्य का हमारे नेत्रों पर प्रभाव है, चंद्रमा का हमारे मन पर, मानसिक स्तर पर प्रभाव है, रक्त का जो प्रभाव है वो मंगल से बहुत गहरा है, हालांकि चंद्रमा से भी उसका संबंध है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी की जो एनाटॉमी है उस पर मंगल का गहरा प्रभाव है, जो हमारी बुद्धि है उस पर बुध ग्रह का प्रभाव है, शरीर में जो चर्बी की मात्रा है, वसा की मात्रा है, फैट जिसको कहते हैं, उस पर गुरुदेव बृहस्पति का सीधा संबंध है, शुक्रदेव का जो संबंध है शरीर पर वो खास तौर पर यौनांगों, यौन संबंधों, वीर्य, शुक्राणु, इन पर संबंध होता है, और शनिदेव है जो इनका जो विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं और जो नर्वस सिस्टम है उससे शनिदेव का सीधा सीधा संबंध होता है, और राहुदेव वायरस जनित जितनी भी बीमारियां हैं अभी आजकल हम लोग उससे बहुत गहराई से वाकिफ है, राहु का उससे बहुत गहरा संबंध है, और जो त्वचा है, त्वचा की पहली, दूसरी, तीसरी जो परतें हैं उससे सीधा सीधा संबंध केतु देव का है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। साथियों, कहने का अर्थ केवल इतना ही है कि चार ऐसी बातें, चार ऐसे आचरण, चार ऐसे व्यवहार यदि वो कोई भी आत्मसात कर ले, उसको चाहे मारक की दशा चल रही हो, चाहे उसको योग कारक दशा चल रही हो, चाहे उसको शनि की ढैया चल रही हो, चाहे उसको मंगली दोष हो, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, कोई भी दोष हो, मैं दावे के साथ में ये कहना चाहता हूं कि इन चारों को यदि वो जीवन में पूरी तरीके से रचा बसा लेता है तो कोई भी ग्रह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। ये मैं अपने अनुभव से आपको कहना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं, और ये किस आधार पर मैं कह रहा हूं इस पर मुझे अभी एक पंक्ति याद आ रही है, और वो पंक्ति इस प्रकार है, नो कुर्वन्ति कदाचिदेव पुरुषस्येवं ग्रहाम पीड़नम।
कोई भी ग्रह उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। किसका? सबसे पहला, जो व्यक्ति पुराणों का नियमित पाठ करता है या फिर वो श्रवण करता है। दूसरा आचरण है कि जो भी आपके इष्ट देव हैं, आपकी जिनमें श्रद्धा है, या आप पंचम भाव से अपने इष्ट देव का पता लगा सकते हैं, उनका आप नियमित ध्यान करें, आराधना करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह आचरण है कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जीव के, किसी भी पशु पक्षी के, किसी भी पेड़ पौधे के आपकी वजह से आंसू नहीं आने चाहिए, आपकी वजह से किसी की आत्मा नहीं दुखनी चाहिए। सूर्य हमेशा आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। चौथा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जिसको लेकर के आज सबसे ज्यादा विवाद होता है, वो है दाम्पत्य जीवन। आप शादी होने के पश्चात अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार बने रहें। बस अगर इन चारों बातों को आप गांठ बांध लेते हैं, मैं दावा करता हूं इस बात का, अगर आप ईमानदारी से इन चारों आचरणों को आज से ही, इसी पल से ही अपने आचरण में आत्मसात कर लेते हैं, रचा बसा लेते हैं, तो कोई भी नीच ग्रह, पाप ग्रह, मारक ग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। फिर आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां पर राम बाण चला दिया जाए, वहां पर फिर कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये एपिसोड इसीलिए खास तौर पर बनाया था कि लोग कई बार पूछते हैं कि आचार्य जी हम कौन सा उपाय करें, ये मैंने कर लिया था, इसका मुझे कोई लाभ नहीं मिला, अब मुझे ये करना चाहिए, अब दशा परिवर्तित हो गई है, अब गोचर परिवर्तित हो गया है, तो ये है उसका राम बाण इलाज। साथियों, आज केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।